श्री हनुमान जी महाराज को बलि याद करवाया जामवंत जी ने। अरे हनुमान जी महाराज विशाल काय शरीर धारण करके कहते हैं, जामवंत जी आप बताओ क्या करना है। आप कहो तो हम पूरी लंका को ही उठा लावे, या आप कहो हम रावण को मसलावे। जामवंत जी बोले ये खतरनाक, इनको बताएंगे थोड़ा ये करके आएंगे बड़ा। इसलिए जामवंत जी बोले सुनो भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोले फिर माता जानकी जी को देख रहा हूँ चले यार। जामवंत जी ने इतना क्यों बताया? बोले जामवंत जी को पता है कि इतना बताएंगे फिर भी ये आग लगा के ही आए। सूर्य भगवान ने सोची कैसे हो तो जो दूर जाए। तो बोले कैसे चेला बनना चाहते? बोले ज्ञान ज्ञान गुरु ज्ञान ठीक है, लेकिन हम नहीं दे सकते। क्यों भाई? गुरु ज्ञान लेने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, हम कभी बैठते नहीं है, चलते रहते हैं दिन ना रात फिरते रहते। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम चलते रहना, हमारे भी पांव बहुत कम लोग आते। सूर्य भगवान बोले, अब सूर्य भगवान तो सोच रहे थे जे हमसे पढ़ाई करेंगे, इनका कोई ठिकाना थोड़ी कब भूख लग जाए ऐसे ब्रेकफास्ट में फेमस आकर। एक बार तो बड़ी मुश्किल से तो सूर्य भगवान बोले देखो भाई चलोगे कैसे? विद्यार्थी को सामने होना चाहिए, शिक्षक को शिक्षक के सामने होना चाहिए, तभी पढ़ पाओगे। हनुमान जी बोले नो प्रॉब्लम, हम चलेंगे तुम चलेंगे, हम आगे चलेंगे उल्टे चलेंगे, तुम सीधे चलना। हनुमान जी जब लौट कर वापस आए थे तो राम जी ने पूछा था, अरे आप लंका गए? हाँ, हमने सुना आप समुद्र पार हो गए। हनुमान जी हाथ जोड़ कर राम जी से कहते, प्रभु हम पार नहीं भय, पार तो आपकी कृपा से हो गए। राम जी बोले ऐसा मत कहो, समुद्र पर छलांग तो आपने लगाई, उड़कर तो आप गए। हनुमान जी बोले महाराज ये भी गलत बात है, समुद्र पार होते हुए जरूर हम दिखे लेकिन कराने वाला कोई और था। राम जी बोले कौन? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर, जो आपने मुद्रका दी उसी को विमान बनाकर हम समुद्र पार गए हैं। बाकी देवता फुटकर काम करते हैं, हमारे बजरंगबली थोक में करते हैं। उनसे किसी ने कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, सीधा पहाड़ उठा ले। राम जी बोले एक काम करो, वैद की जरूरत है सुसेन वैद ले आओ, धन है वीर बजरंगबली पूरी डिस्पेंसरी उठा ले। किसी ने कहा कि तुम पूरा मकान क्यों उठा ले? बोले क्या ठिकाना, कल के दिन कह दे के आला तो घर ही में भूल गए। हनुमान जी बोले इसलिए कौन फुटकर का काम करे, फिर ले जाओ फिर आला ले आओ, इतने में रावण हमला कर दे। हनुमान जी अद्भुत देवता है। हनुमान जी बोले सीधा मकान ही ले चलो, जब निकलेगा तो कह देंगे डिस्पेंसरी भी यही है और तुम भी यही हो। बोलो सीताराम।